हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ PUBG मोबाइल। भाई टाइटल समझ से आपको पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप जीतना चाहते हो 10,000 रुपीज वो भी यू करके, तो भाई यहां आ रहा होगा हमारा चैनल, ठीक है, जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं। फर्स्ट टाइम आप सबने ज्वाइन करना है, एक स्क्वाड का मैच होगा, आप अपने अपने स्क्वाड के साथ आ सकते हो और जो भी जीतेगा उस टीम को मिलेंगे एक ही मैच के बाद सीधे 10,000 रुपीज, जिसमें भाई आप फिर यूसी ले सकते हो या फिर दोस्तों को बाहर खाना खिला सकते हो, वट एवर यू गाइस वांट टू। आज ही स्ट्रीम होगी तो लाजमी से आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा और मैं पिन भी कर दूंगा, चैनल का लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। खैर आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ओल्ड PUBG मोबाइल पे। ये मेरा एक बहुत पुराना और बहुत ही मजे का गेम प्ले है। अच्छा इसको आपने देखना है यार इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये भाई 4-5-6 साल पुराना गेम प्ले है, इसको कंपेयर नहीं करना आज की गेम प्ले या आज के प्लेयर से, इसके स्प्रेस को और सारी चीजों को। तो ये है स्टार्टिंग की PUBG मोबाइल, होपफुली आप सब एंजॉय करोगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर, आ जाओ चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा मैं प्ले कर देता हूं, मैंने ना वीडियो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे लगा के रखी हुई है। न्यू पाकिस्तानी इनिशिया सर्वर, न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स PUBG मोबाइल, ठीक है। स्टार ANYMS मेरा नाम होता था, आईबेक्स मेरी टीम में एक लड़का होता था, शिकारी भाई जो है ये शायद अब भी हमारे साथ ही है, और एक बाबा लड़का हम लोग साथ खेल रहे थे। आइए शुरू करते हैं कि जब भी 1v4 होता है हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद, इस वीडियो क्लिप के बाद आप समझ जाओगे, थोड़ा बहुत आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग अपना गेम प्ले शुरू करेंगे आज का। तो देखो जरा डेमो देखो, एग्जांपल दूंगा तो अच्छे से समझ पाओगे आप लोग, डेमो देख लो। थ्री टू ओ भाई साहब, भाई एनोनिमस जो चाहता था वीडियो के लिए, शिकारी भाई बोल रहे हैं। और आपने देखा फर्स्ट एड कैसे लगता था, ठीक है, स्किन्स मेरे पास कौन सी होती थी, और उस टाइम में मैं क्लोज में ऑम मार रहा हूँ जो आजकल लोग टिकटॉक्स बना रहे होते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ शिकारी भाई क्या कह रहे थे, थोड़ा सा वापस करता हूँ, रुको। कहते हैं एनोनिमस जो चाहता था वीडियो के लिए वो हो गया। यार ये अच्छी बात है इसका। पड़ी भाई यहाँ से आप वो पुरानी US देख सकते हो, ठीक है, पुरानी US कैसे होती थी विदाउट स्किन वाली हमारी जो चीज़ें होती थी। तो भाई लोग पहले हमने दी आपको एग्जांपल, अब मैं बता देता हूँ। अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बता। अच्छा मैं अटकता था तो मैं मतलब कट नहीं करता था, वो फ्लो में चलने देता था, ठीक है। चीज़ें बताता हूँ कि सीन क्या है। देखो जब भी 1v3, 1v4, 1v2 है ना, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, बाकी बातें गई भाड़ में, कि कभी भी दिल नहीं छोड़ना, मतलब कि घबरा मत जाना कि यार वो तीन हैं वो चार हैं या वो दो हैं। आपको सामने वाला प्रो बंदा नहीं मारता, आपको जो मारता है ना वो है आपका अपना डर। क्या बात कह दी बाबा जी ने कि आपको सामने वाला प्रो प्लेयर नहीं मारता, आपको मारता है तो आपका डर। मैं इस चीज़ को मतलब ऐसे बोलना अच्छा नहीं है, मेरी जब वो वाली वीडियोस होती थी ना तो ऐसी वीडियोस से देख देख के काफ़ी लोग सीखे हैं, वो शायद कमेंट्स में आके बताएं भी, लेकिन मैं कुछ फ्लेक्स या कोई एहसान वाला सीन नहीं करना चाह रहा, वो लोग मुझसे सीखे हैं देख के, और वो लोग बोलते भी हैं मोमिन भाई जब मिलते हैं कि यार हमने आपकी गेम देख के सीखा है। तो देखो ये मैं 4-5-6 साल पहले मतलब जो है ना इस तरह की चीज़ें कर रहा होता था। जब डरोगे तब मरोगे, डर निकाल दो। आपने देखा कैसे M4 लेके घुस गया मैं, उसके बाद एमओ ख़त्म हुई, हालांकि मेरे M4 पे एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ लगा हुआ था, फिर भी मैंने उसका वेट नहीं किया कि ना जी अपने को अपने आप पे यकीन है, अपने खुद पे यकीन रखो और बस पेल दो जो सामने पेल दो, घबराओगे तो रह जाओगे। हाँ वो बात ठीक है, स्किल्स TPP वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो खुद पे यकीन होता है बंदे को, कॉन्फिडेंस और डर को निकाल दो, आप 1v8 भी कर जाओगे, 1v12 भी कर जाओगे अगर आपको खुद पर यकीन है। तो बस यही बोलूँगा, डरो मत, पेल दोगे सबको। तो लाइक कर दो और आज का गेम प्ले एंजॉय करो, हम बकबक करते रहेंगे, चाचा चौधरी की चाट खिलाएंगे आप लोग को। आए चाचा चौधरी की चाट, भाई एक हमारे वहाँ पे अभी भी एक चाचा होते हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उनकी चाट इतनी मज़े की होती थी ना, तो जो मेरे आसपास होता था ना मैं वही आप लोगों से वीडियोस में शेयर करता था जो मेरे आसपास हो रहा होता था। ये जो हमारा बंदा है ना आज कपड़े मतलब 100 RP हुई थी, तो मैंने ना ज़रा आउटफिट चेंज कर रखा है, सॉरी उसके लिए। भाई प्लेन देख लो, RP देख लो कैसे होती थी, मैप देख लो कैसा होता था, ठीक है, अभी मिलिट्री बेस देखना कैसा होता था, मैंने जंप की मिलिट्री बेस के लिए, आज भी मैं यही सूट पहन के खेलता हूँ यार। और ये जो नीचे जाते हुए साउंड आता था ना भाई, एक दिल में कुछ होता था, गूज़बम्स टाइप, आपने सुना ना गूज़बम्स,
भाई गूज़बम्स आते थे इस म्यूजिक से। बाकी गाइस अभी शुरू में शायद थोड़ा सा बोरिंग गेम प्ले आपको लगे, हमारे एक दो भाई बॉट आ जाएंगे यहाँ पे, और लेकिन एंडिंग जो थी ना, मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट मेरे गेम प्लेज में से एक है। तो प्लीज़ लाइक करके एंजॉय करते रहो, मज़ा आएगा आपको। भाई ये देखो, ये है ओल्ड मिलिट्री बेस, ठीक है। सामने बंदे उतरे मेरी छत पे, और मतलब अब तो बहुत क्विक क्विक सब होता है, उस टाइम ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अब तो रिफ्लेक्स वगैरह सबके और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन पहले के लिए, मतलब पहले के हिसाब से ये बहुत टफ चीज़ें हैं, ठीक है। ओ मैं लेट गया, मैं प्रोन शॉट मारी थी उसको, वो भाई टॉक्सिक एनोनिमस फिस्ट कर रहा है। मैं ये क्यों करता था, मैं ये इसलिए करता था कि सामने वालों को गुस्सा है, उसके टीममेट्स पुश करें और मैं किल लूं, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे 4 किल हो चुके हैं, हेल्थ वगैरह मेरे पास यहाँ पे नहीं है, और मैं आगे पुश कर रहा हूँ। AKM मेरे पास है, साथ में M4 मेरे पास रहने वाली है। इस M4 को मैंने बहुत टाइम यूज़ किया यार, बहुत टाइम भाई। वॉल्स का कलर देखो, बिल्कुल चेंज हो गया अब तो मिलिट्री बेस का, पहले ऐसा हुआ करता था। काफ़ी ब्राइट ब्राइट है ना, काफ़ी मतलब आंखों में अच्छा लग रहा है दिखने में। कौन कौन ओल्ड पबजी मोबाइल को मिस करता है यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अटेंडेंस नहीं लगवाई तो जल्दी से अटेंडेंस लगवाओ जाके कमेंट सेक्शन में, बाबा जी की पब्लिक। अच्छा अब मैं साउंड ले रहा हूँ, ठीक है। गेम स्लो ही होती थी भाई उस टाइम, ठीक है, इस तरह की गेम्स ही होती थी। और भाई इंटेंसिटी इसमें जो होती थी ना, ख़तरनाक वाली, ठीक है। एक मौली की मैंने, एक नेट भी मेरे पास रहने वाला है, वो UMP से किसी को मार रहा है, SKS से डाउन किया किसी ने को, टाइटन। अच्छा ये बंदा मुझे नज़र आ गया कि ये लेफ्ट गया, अभी पुश करेगा। डब्बे के पीछे बैठा हूँ मैं, ओ हो, फुल सांस रोक के बैठा कोई, उसको भी पता है कि मैं आऊँ। अब मैंने नेट निकाला, शायद पुश कर दे वो नेट का साउंड सुन के, लेकिन देखो वो भी हिल नहीं रहा। ये नेट निकाला, ये नेट फेंका और बूम बूम फट गया। टाइटन ग्राउंड इसका नाम है, वो उसका टीममेट भी है। भाग रहा था ये। नाइस यार, 6 किल्स हो गए मेरे यहाँ तक। वैसे मुझे पसंद नहीं है यहाँ पे मिलिट्री बेस आना, यहाँ पे कैंपर्स बहुत होते हैं, लेकिन हॉट ड्रॉप था तो किल्स के लिए आना पड़ा। हॉट ड्रॉप जो है ना, वो एक ही सिटी हुआ करता था, अभी का तो बहुत डिफरेंट है। सब लोग इवेंट पे जा रहे होते हैं भाई, नए लोगों को बता दूं, उस टाइम कोई इवेंट नहीं होता था। और हम पबजी मोबाइल प्लेयर्स, जो ओल्ड पबजी मोबाइल प्लेयर्स हैं, प्लेन पाथ के हिसाब से एक हॉट ड्रॉप होता था। मिलिट्री बेस है तो सारे मिलिट्री आएंगे, पचिंकी है तो सारे पचिंकी आएंगे, जॉर्ज पुल है तो सारे जॉर्ज पुल जाएंगे, ठीक है। बस मोस्टली यहीं जाते थे। बाकी आगे वाला गेम पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, यहाँ ज़्यादा मैं आता नहीं हूँ और मुझे आना पसंद भी नहीं है, बोर हो जाता। मेरे घर में ना शोर होता था बहुत ज़्यादा, तो उस स्टार्टिंग में ना मैं फुल वॉइस ओवर नहीं किया करता था यार, लाइक मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करने के लिए वॉइस ओवर करता था, और उसमें भी पीछे ठक ठक ठुक ठुक ये वो टीन डब्बावेज और कुकड़ू कू सब चल रहा होता था। भाई दो बंदों का साउंड आ रहा है, नेट मेरे पास था, मैं यहाँ पे पैनिक रूम में आ गया, एम करके बैठा हूँ, देखो आएगा आएगा, आ गया भाई साहब। अच्छा अब उसके टीममेट का वेट कर रहा हूँ मैं, इसको फिनिश नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है। ये देखो अभी हम लोग 14 राउंड और वो सारी चीज़ें खेलते ना, तो पीक करके मारना आजकल भी बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक एम करके बैठना, कोई आएगा तो ले लो नो साउंड, वो चीज़ मैं तब भी कर रहा होता था। डेफिनेटली अभी आपको वो थोड़ा सा एम ऊपर नीचे फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल चीज़ें नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं उस टाइम किया करता था। अगेन विस्ट कर रहा हूँ ताकि इसके टीममेट्स थोड़े पंप हो। अच्छा यहाँ मर गए तो मर गए, नो रिकॉल नो नथिंग, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे बुरा ना मानना, मैं मुक्को से इसलिए मारा था क्योंकि मेरा मिशन था, और आप मुझे कमेंट करके अच्छा अच्छा मिशन की वजह से दो को मैंने मारा, तो आपने यहाँ से कुछ सीखने को मिला आपको या नहीं, मतलब आपने क्या देखा, क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे मारा मैंने, कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ। पॉज कर दो वीडियो, देखते हैं किसका कमेंट सही होगा। और गाइस देखो यहाँ मैंने दो काम किए, एक मैंने अच्छे से साउंड लिया, सोलो स्क्वाड में बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड लेना, मुझे पता था बंदा उधर से आ रहा है, मतलब नीचे के फ्लोर की आवाज़, स्टेयर्स की आवाज़ और कहाँ से आ रहा है तो पता चल जाता है आपको अगर आप पबजी काफ़ी टाइम से खेल रहे हो। तो मैंने एक तो अच्छे से साउंड लिया और दूसरा मैंने काम किया, अम्मी शोर कर रही है भाई, अम्मी काम कर रही है, शोर आ रहा है देखा। तो दूसरा मैंने क्या काम किया गाइस, कि मैंने एक को बेट बनाया दूसरे को मारने के लिए, अगर मैं फिनिश कर देता मैंने बोला था को थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी नहीं करता उसका टीममेट, वो फ्लेयर मिल गई, तो मैंने बेट, एक तो मैंने बेट बनाया एक टीममेट को, और दूसरा मैंने साउंड अच्छे से लिया, अच्छे हेडफोन यूज़ करो और साउंड साउंड को मास्टर करने की कोशिश करो, और दूसरा अगर सोलो स्क्वाड है तो बेट बनाओ, अगर मतलब स्क्वाड है तो फिनिश कर दो बेशक, कोई मसला नहीं। देखो डासिया, ठीक है, और ये वाली स्किन भाई, मैं ड्रॉप लूटने आया अभी, ब्रिज क्रॉस करके जो कंपाउंड्स होते हैं, 6-6 करके कंपाउंड होते थे पैर में, वो पहले ऐसे होते थे, अब तो उनको बिल्कुल ही कोई ग्रीन कंपाउंड बोलता है, कोई ब्लू कंपाउंड बनता है, पहले वो प्रॉपर ग्रीन कंपाउंड होते थे, उनकी रेड कलर की रूफ हुआ करती थी, ठीक है।
ये चार कंपाउंड्स बहुत फेमस है, अक्सर यहाँ पे जोन बनता है, टीम्स होल्ड करती हैं, ये ऐसे हुआ करते थे यार। देखो कितने अच्छे हैं। अच्छा मैं आराम से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मैंने नेट निकाला। अभी का अनोनिमस क्या करता भाई, नीचे से उसको मारने की ट्राई करता, विंडो से मारने की ट्राई करता, बट मैं इतना तरीके से खेलता था और जो ऑडियंस मुझे देखती थी अनोनिमस की पब्लिक, वो यही चीज़ पसंद करती थी कि मैं बहुत स्ट्रैटेजी से खेलता था, ठीक है, एक वॉइस ओवर की वजह से और एक स्ट्रैटेजी की वजह से मुझे देखा करते थे। अच्छे प्लेयर तो और भी हैं यार, और भी थे तब भी, लेकिन मैं जिस तरीके से, जिस काम डाउन होकर जिस तरीके से खेलता था ना, तो अनोनिमस की पब्लिक को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। देखो अभी भी नेट वेडी मार रहा हूँ मैं साउंड लेके, शायद ऐसा हुआ करता था यार, स्टिल वो नहीं फटा। अब मैंने देखा मेरे पास नेट वेड ख़त्म हो गए, वो उधर ही है, वो भी नहीं निकल रहा, पीक करके खड़ा हूँ, देखो शायद आए। उसने करवानी थी पीक मुझे देख के ना, उसका टीममेट आ रहा है, फौरन से वापस आ गया। मुझे साउंड आया पर मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आया साउंड कहाँ से। भाई डोर देखो कितना ब्राइट ब्राइट होता था ना यार, कितना मजे का घर होता था ये यार, सारी बिल्डिंग चेंज हो गई अब तो। वो रहा, अच्छा मुझे लगा आएगा तो मैंने प्री फायर दिया, ठीक है वहाँ पे। अरे लो हो गया वो, अब मैं शायद पुश कर दूंगा, हाँ डेफिनेटली। एक हम निकाल ली देखो क्लोज रेंज में फ़ौरन से, वो गाड़ी भी आ रही है, ओ इसको मैंने डाउन किया, पीछे से गाड़ी आ गई, MK उनके पास, ऊपर भागूंगा मैं, मुझे पता था मैंने ऊपर ही जाना होता था, ठीक है मैंने फिनिश कर दिया फ़ौरन, गाड़ी वापस निकल गई आई गैस। और अब मुझे वो टेंशन हो रही है जो मेरा किल था ना, एक 9 किल कर ली थी अभी तक मैंने, 38 अलाइव थे, सर्कल के बाहर हूँ। लूट इज मस्ट भाई, आपको पता है व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक, ठीक है इसका लूट का नो मजाक। ये नॉक पड़ा हुआ है, मैंने इसको बेट बना रखा है अभी तक, देखो ये मैं करता था, इसको मैं बेट बना रखा है। यहाँ कोई था जिसने मुझे MK मारी थी, अब मुझे डाउट है वो यहीं कहीं पे है। वो रहा गाया भाई, देख रहे हो देख रहे हो, उस टाइम के हिसाब से ये चीज़ें फिनिश कर दिया, ठीक है अब लूट वूट करूँगा मैं, अभी तक मैं आया नहीं हूँ कुछ बताने आप लोगों को। तो आ गया आ गया आ गया, दिखाने का मकसद था कि मैं कैसे रुका, कैसे मैंने टाइम लिया, कैसे नेट किए, कैसे मारा, कि किसी भी स्क्वाड को आप एकदम से घुस के नहीं मार सकते, ऐसा नहीं है कि मैं काट देता फिर आप। हाँ देखो पीछे मेरी अम्मी ना रूम साफ़ कर रही, तो उसकी आवाज़ आ रही है और मैंने नीचे टेक्स्ट लिख के लगाया था। आपको ऐसा लगता क्लिप को काट देता, फिर आपको ऐसा लगता कि एनोनिमस आया बूम बम फाओ मारा और गया। भाई ये वाला हाउस तो देखो, वो समझ नहीं लगती, बंदा सोचता यार क्या तो प्रो आके मार, लेकिन ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है और हम तो हैं ही नूब, तो थोड़ा सा टाइम लिया और मारा। इनका चौथा बंदा यहाँ पे नहीं था, और मैं जाके फ्लेट लाऊंगा पोचिंकी के स्क्वाड हाउस में, जहाँ पे मेरी फेवरेट जगह, जब भी मुझे फ्लेयर मिलती है ना बेशक मैं जॉर्ज। ये जिसको याद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जब भी मुझे फ्लेयर मिलती थी मैं पोचिंकी स्क्वाड हाउस जाया करता था, जाने के बाद भाई गाड़ी फंसाई, गाड़ी फंसा के फ्लेट चलाई, स्क्वाड आया उसको मारा। ये चीज़ें किस किस को याद हैं, कौन कौन मुझे पुराना देख रहा है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो हूँ वो हूँ चलानी मैंने पोचिंकी के स्क्वाड हाउस में होती है, तो भी वहीं जाके चलाऊंगा क्योंकि वहाँ पर रश होता है और मुझे मज़ा आता है स्क्वाड हाउस में फाइट लेने में, इन्जॉय करो। ये लगा दी गाड़ी यार, जब ये इस गाड़ी लगाने वाला सीन ख़त्म हुआ था ना, मेरे को इतना दुख हुआ था जब इन्होंने स्क्वाड हाउस बदला था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, बहुत दुख हुआ था यार। वो देखो छत पे लेटा हुआ है, स्क्वाड करके डाउन कर दिया 6x से। चर्च देखो कैसा है, पुचिंकी देखो कैसा है यार, पुचिंकी के घर कंपाउंड्स, ये देखो स्क्वाड उस कैसा हुआ करता था। अरे दादा बाबा जी, ओए 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 मिस कर दिया मैंने, मिस कर दिया, लेकिन उसने भी अच्छा मारा देखो। इसमें इस टाइम पाकिस्तानी बहुत कम खेलते थे यार, बहुत थोड़े पाकिस्तानी इस टाइम पबजी मोबाइल खेला करते थे, ठीक है, लेकिन बाहर की लॉबी बहुत आती थी। पुश कर रहा हूँ भाई नॉक करने के बाद, ओपन से ही आ गया मैं, नो स्मोक नो नथिंग, लेकिन मुझे था वो रिवाइव हो जाएगा। ये देखो ये डबल कंपाउंड्स जो है कैसे हुआ करते थे, लेफ्ट पे ग्रीन हाउस जो ब्लू कर दिया इन्होंने, ठीक है शायद रेफ दे दिया। और ये नेट्स तो मेरी पावर थे भाई, नेट्स तो मेरी पावर हुआ करते थे।
स्टन किया, पुश कर रहा हूँ। ये बैठा है पब्लिक फील्डिंग। तो मुझे वो दिख नहीं रहा है कहाँ, शायद राइट पे बैठा है डोर के पीछे, मैंने अभी झलक देखी बट अभी तक मुझे गेम में नहीं पता कि वो कहाँ है। वो रहा नहीं, इधर ही है। हाँ ये रहा, देखो सही देखा था मैंने, स्मोक कर रहा था अपने टीममेट को बचाने के लिए। बहुत ना सुकून से खेला करते थे यार। मैं आप जब इंडियन लॉबी आती थी ना भाई, ग्राउंड फ्लोर पे इस तरह के डब्बों पे जो मेरे लेफ्ट में है उनके ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे चार चार बंदे। क्या तो टफ टाइम दे रहे थे ये लोग, ना मैं घुस जाता हूँ बस। लेकिन यहाँ मैंने काफी बेट बनाया, बेट बॉट फायर किए, फिर इनको बुलाया तो टाइम लग गया था, लेकिन मैं बॉट फायर देके बुलाता था छोटी करने के लिए बस। तो अभी हमारी गाड़ी नहीं निकलेगी और मैं पैदल जाऊंगा यहाँ से जोन का डैमेज लेते हुए। तो मेरी अम्मी ना बुला रही है, छोटे भाई को बुला रही है। अम्मी को भी मतलब अम्मी को पता चल गया बेटा फेमस हो गया थोड़ा बहुत, तो वीडियो में आ जाए करूँ किसी तरह। अम्मी काम करती हैं, शोर आता है कभी, आवाज़ लगा देती हैं। तो अमीन को बुला रही थी जो मेरा छोटा भाई था ना, अमीन जल्दी आ। लो फंस गई गाड़ी, अब पैदल जोन भाग रहा हूँ मैं। 14 किल, 19 अलाइव। ये देखो भाई पुरानी यूएस, वो देखो रिकॉल वाला स्क्वाड हाउस जिसे आप कहते हो उसका, वो कैसा था वेयर हाउस। ठीक है 17 लाइव है अभी। भाई ये वाला हाउस देखो यार, बिल्कुल ही बदल दिया। ये कितना मजे का होता था, देखो कलर्स कितने ब्राइट हैं, कितने खिले हुए कलर्स हैं यार, वॉल का पेंट और एवरीथिंग भाई बहुत बहुत ही कूल। नीचे वाला हाउस देखो, पूरा गेम प्ले दिखाने का मकसद ये है यार कि हम सारी चीज़ें कवर कर सकें कि कौन सी जगह पे क्या क्या होता है। अगर मैं स्किप कर दूंगा तो शायद हम बहुत सी चीज़ें मिस कर दें ओल्ड पबजी मोबाइल की। तो अभी तक अगर आपने लाइक बटन दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। स्टिल वो बंदा आ रहा है मेरे पे और मैंने रेट निकाला हुआ, कैंसिल कर दिया क्योंकि वो पुश कर गया था। ओए 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 गया, चाइनीज प्लेयर था देखो, GLV चाइनीज प्लेयर। उसको डाउन किया, हील किया। मिक्स लॉबी आती थी, इंडोनेशियन, वियतनाम के, चाइनीज भाई, ठीक है ये सारे आते थे। अरबी बहुत कम आते थे उस टाइम, अरबी लॉबी ना। हम लोग का एशिया सर्वर होता था ना तब, मिडिल ईस्ट नहीं था, तो एशिया में इंडियंस आते थे और बांग्लादेशी आते थे। लो जी जोन बना लिया मैंने, डायरेक्ट कंपाउंड्स में नहीं गया। सर्कल काफ़ी छोटा है, 12 लाइव हैं, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट घरों में ले सकता था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि 1v4 फ़ौरन से हो जाता, रश होता, सबके सब मुझ पर फोकस करते। तो ये कवर थी एक बंदे के लिए काफ़ी है कवर, तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोक ली। और अच्छा आज के टाइम में ऐसे रुकूंगा तो भाई आप पीछे से पड़ जाएगी, कोई ना कोई सांप लेटा होगा, ये पर नेट जाएंगे स्पॉट होगा, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है यार। अभी मैच लंबा है तो मैं कट करके आपको दिखाता हूँ। देखो साउंड आया मुझे, वो डोर बंद किया उसने, खोला फिर बंद किया, नेट निकाला मैंने। उस टाइम आई बटन से नेट शेड नहीं करते थे भाई। ओए अब मुझे वो लो जरूर हुआ होगा तो मैं पुश कर रहा हूँ। ये देखो इसमें गैप भी ज़्यादा है, पहले अभी इतना ज़्यादा गैप नहीं है, पहले ज़्यादा होता था। ये बैठ रहा है, देख ली मैंने उसकी गन ना। लो गया, फिनिश, नेट वेट फट रहे हैं, अगली जगह फोकस करूंगा। अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ, देखो मैंने गाड़ी नहीं छोड़ी। वाह यार उस एक को नॉक फिनिश करके वापस आया, वापस आके अब मैं देख रहा हूँ कि जिंदगी में क्या चल रहा है। बैठा गाड़ी में, अभी होता है गाड़ी घुमा के बंदे को कुछ चल दो भाई, उस टाइम इतना माइंड नहीं होता था। अब मैं सर्कल में जाने की ट्राई कर रहा हूँ। सॉरी अगर क्वालिटी थोड़ी सी आपको लैग फील हो यार, पुरानी वीडियो ना बहुत ज़्यादा, शायद मैंने बंदा स्पॉट किया इसलिए एरो बनाया था। वो ही ले गया था मुझे, बैक से पड़ी, लेट गया मैं, ठीक है टायर पड़ा। अच्छा ये हम लोग इसलिए करते थे, अब इसके नीचे से गोलियां नहीं पड़ती थी, ठीक है अब इसके नीचे से मुझे गोलियां नहीं पड़ेंगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा गाइस कि नीचे से मुझे गोली नहीं लग पाएगी। वैसे तो सबको पता है लेकिन अगर किसी को नहीं पता, तो अब मुझे नीचे से गोली नहीं लग पाएंगी। और मैं गाड़ी से पीछे अभी कोई नेट गाड़ी पे करे तो मतलब मैं फौरन से मरना जाऊँ, भाई देखो यही लगेगा गाड़ी के साथ लेटा हुआ है। 8 बंदे, वो कोबरा बड़े बंदे मार रहा है, काबरा
कपड़े शपड़े उतार दिए, लेट गया आराम से आपका बाबा जी। चलो गया, उठ के मारा वापस लेट गया। भाई देखो गोलियां चल रही हैं इधर से उधर से। लो M4 से एक और बंदा मार दिया उसने। पांच बंदे रह गए, मेरे अलावा चार और हैं। ऐसे रैंडम स्प्रे मार रहा हूँ मैं, रैंडम स्प्रे। एक जोन से गया, काबरा जो अच्छा खेल रहा था जोन से मर गया, कोई मैं स्पॉट हो गया। जगह चेंज की, उसको स्पॉट करने की ट्राई की, अभी तक वो मुझे स्पॉट नहीं हुआ। मतलब देखो इतनी दूर से उस बंदे ने स्पॉट किया मुझे। दोबारा स्मोक करूंगा, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट जगह कर दी स्मोक मैंने। अच्छा मैं जोन के मिड में नहीं जा रहा अभी, देखो जोन के एज पे लेटा हुआ है। बट यहाँ मैं बहुत ही उसमें हूँ वाला जगह। स्मोक करने का मकसद, मुझे दो तीन गोलियां लग चुकी थी एनिमी की, तो उसका ध्यान थोड़ा सा भटकाना बस, और कुछ नहीं। यार बाबा जी इज वेरी इंटेलिजेंट यार। पब्लिक जल्दी से लाइक बटन दबाओ अगर अभी तक आपने नहीं दबाया, और मुझे बताओ यार आप कौन सी वीडियो पर रिएक्शन देखना चाहते हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो। ठीक है, मुझे जरा आप ओल्ड पबजी मोबाइल याद आ रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर किया जाए। निकाली गाड़ी उन्होंने, ओहो अच्छा ये गाड़ी लगाई हुई थी इसने भाई, वो भी गाड़ी लगा के फ़ौरन लेट गया। ठीक है गाड़ी के पीछे, अब शायद मैं मर जाऊंगा, ये चिकन नहीं होगा आई गेस। ओह ओह क्या स्पॉट किया, क्या स्पॉट किया, क्या बात है बाबा जी। लो मेरी पोजीशन पता चल गई, हील कर ले, हील कर ले मुबीन। ओए 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 ये अच्छा था, मानो ना मानो ये अच्छा था। ठीक है उस टाइम के हिसाब से ही अच्छा था, आज के टाइम के हिसाब से भी अच्छा था। मुझे शायद स्पॉट हो गया, हाँ स्पॉट हो गया। क्या ये भाई, देखो ओल्ड विनर विनर चिकन डिनर। गाइस इतने अच्छे बंदे स्पॉट हो रहे थे मुझे आईपैड पे, और मैं खेल रहा हूँ एक्सट्रीम पे और कलरफुल पे, तो आईपैड पे एडवांटेज होता है, बंदे नज़र आ जाते हैं बार बार मार्क करने का। मतलब एडिट में मार्क मैंने डाला, मैंने कही ना कोई 100 में से एक बंदा भी हैकर बोले, क्योंकि भाई फेयर खेलते हैं, नूब हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भाई, उस टाइम के हिसाब से हैकर ही है। नूब बोलो अच्छा लगेगा यार, एक थोड़ा सा नूब अच्छा खेलने लगे उसको कोई हैकर वैकर बोल दे तो दुख होगा, सबको एक टाइम पर बोलते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखो एनिमेशन वगैरह देयर, होपफुली आपकी भी पुरानी ओल्ड पबजी मोबाइल की यादें ताज़ा हो गई होंगी। हो गई तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर करके मुझे कमेंट जरूर बताना, और यार लाइव स्ट्रीम वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। और उसके अलावा जो है आप सबने वेट करना है, बहुत मजे मजे के गेम प्लेज और वीडियोज आने वाली हैं। दिल से लव यू, बहुत ज्यादा प्यार। अभी तो बाबा उप्पी के साथ वन वन भी आ रहा है। अल्लाह हाफिज़ भाई, 21 किल 3000 का डैमेज उस टाइम पे।